नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश गोस्वामी हमारे YouTube चैनल द यंग इंस्पिरेशन सोर्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही लाभकारी और गुणकारी पेड़ के बारे में। नीम के पेड़ से शायद ही कोई अपरिचित हो। नीम को उसके कड़वेपन के कारण जाना जाता है। सभी लोगों को पता होगा कि कड़वा होने के बाद भी नीम स्वास्थ्य के लिए बहुत अधिक लाभदायक होता है, लेकिन नीम के फायदे क्या क्या हैं या नीम का उपयोग किन किन रोगों में कर सकते हैं, इस बात की पूरी जानकारी नहीं होती है। नीम के गुणों के कारण इसे धरती का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। आमतौर पर लोग नीम का प्रयोग घाव चर्म रोग में फ़ायदा लेने के लिए करते हैं, लेकिन सच में नीम के फायदे अनेक हैं और आज हम आपको नीम के बहुत से फायदे बताने वाले हैं। एंटीबायोटिक तत्वों से भरपूर नीम को सर्वोच्च औषधि के रूप में जाना जाता है। यह स्वाद में भले ही कड़वा हो, लेकिन इसके होने वाले लाभ अमृत के समान होते हैं। आइए जानते हैं नीम के गुण और उसके फायदे। दाद या खुजली की समस्या होने पर नीम की पत्तियों को दही के साथ पीसकर लगाने पर काफ़ी लाभ होता है और दाद की समस्या समाप्त हो जाती है। और मलेरिया बुखार होने की स्थिति में नीम की छाल को पानी में उबालकर उसका काढ़ा बना लें और इस काढ़े को दिन में 3 बार 2 बड़े चम्मच पीने से बुखार ठीक हो जाता है और कमजोरी भी ठीक होती है। नीम के दातून से दांत मजबूत होते हैं और पायरिया की समस्या भी समाप्त होती है। नीम की पत्तियों का काढ़ा बनाकर उससे कुल्ला करने पर दांत व मसूड़े स्वस्थ रहते हैं और मुँह से दुर्गंध भी नहीं आती है। चेहरे पर कील मुहासे होने पर नीम की छाल को पानी में घिसकर लगाने से फ़ायदा होता है। इसके अलावा नीम की पत्तियों का लेप करने से भी त्वचा रोग के कीटाणु नष्ट होते हैं। नीम के तेल को कपूर में मिलाकर त्वचा पर लगाने से फ़ायदा होता है। और नीम के बीजों के चूर्ण को खाली पेट गुनगुने पानी के साथ लेने से बवासीर में भी काफ़ी फ़ायदा होता है। नीम एक बहुत ही लाभकारी पेड़ है जिसके फायदे अनेक हैं। एक उपाय और भी है कि 100 ग्राम नीम की जड़ को कूटकर आधा लीटर पानी में 1/4 शेष रहने तक उबालें और इस पानी से अगर आप कुल्ला करते हैं तो दांतों की कई परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी एक गुणकारी पेड़ नीम की जानकारी जो हमने आपको दी। हमारी जानकारी आपको कैसी लगी और इसका लाभ उठाएं, तथा हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार की रोचक जानकारियां, मोटिवेशनल स्टोरीज़ और अधिक रोचक जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।